ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు విద్యార్థులకు ప్రభుత్వానికి సారథిగా దేవి ప్రసాద్ను నిర్ణయించడం చాలా సంతోషం. ఈ మధ్యనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 43% ఫిట్మెంట్ బెనిఫిట్ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాదు ఎక్కడ ఇవ్వలే, ఏ రాష్ట్రంలో అయినా బెనిఫిట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇచ్చేది. ఎందుకు ఇచ్చారు? వాళ్ళు ఉద్యోగాలను లెక్క చేయకుండా భార్య పిల్లల కుటుంబాలను లెక్క. సైబాబాద్ కాలేజ్ మే తెలంగాణ గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ అభ్యర్థి को जिताने के लिए यह मीटिंग अरेंज किया गया. देवी प्रसाद साहब तेलंगाना एनजीओस का एक्शन कमेटी का चेयरमैन है और तेलंगाना एनजीओस का सदर भी है. ये बहुत ही सकल जनता सब में सक्सेस किया है और उसके वजह से केंद्र सरकार ने नीचे उतर के आके तेलंगाना देने का काम किया. हमारा केसीआर जी अच्छा कैंडिडेट को डिसाइड किए, वो कैंडिडेट के वजह से हमारे को प्रचार करने में आसानी हो रहा. कहीं भी जाओ, दो तीन दिन से हम प्रचार कर रहे हैं, कहीं भी जाओ और देवी प्रसाद को वोट डालेंगे. देवी प्रसाद अच्छा आदमी है, फाइटर है, नेक आदमी है. हाल हाल में तेलंगाना एनजीओस को 43% बेनिफिट दिलाया है. 43% बेनिफिट देने के बाद आंध्र सरकार भी कंपलसरी इधर दिए बोल के उधर देना पड़ा है. चंद्रबाबू को भी और इधर 43% दिए तो उन्होंने भी कम दिए तो एनजीओस खिलाफ हो जाएंगे बोल के 43% दिए. ये बड़ा सक्सेस. ये हमारा केसीआर कोई देश में कोई इतना परसेंटेज बेनिफिट नहीं दिया एनजीओस को. क्यों दिया? ये एनजीओस ने तेलंगाना आंदोलन के लिए अपना नौकरी को परवाह नहीं करते हुए, हमारा बीवी बच्चों को परवाह नहीं करते हुए तेलंगाना के आंदोलन में शिरकत करके तेलंगाना को सक्सेस किया. इसी वास्ते केसीआर ने ऐसा बेनिफिट वो लोगों को दिया. तेलंगाना इंक्रीमेंट भी दिए हम लोग और इसके अलावा ये हैदराबाद को विश्व केंद्र बनाना चाहते केसीआर जी. दुनिया में ऐसा शहर नहीं हो तो हैदराबाद जैसा शहर होना बोल के वैसा शहर को इस हैदराबाद का ब्रांड इमेज को बढ़ा के दूसरा कंट्रीज को आकर्षित करके नए नए इंडस्ट्रीज को यहाँ ला के जो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम हमारा केसीआर जी ने कर रहे. इसी वास्ते केसीआर जी ये जो 9 महीने में बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके जनता के साथ में गए, जनता आज आकर्षित होके और हमारा पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं. हमारा कैंडिडेट देवी प्रसाद जी है. देवी प्रसाद जी को वोट डाल के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे के उनको विजय बनाना बोल के हम लोग अपील करने के लिए ये मीटिंग रखे. यहाँ हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स सब लोग यहाँ सक्सेस करने के लिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं.